दोस्तों, ये हमारी बातचीत है रमेश प्रभु जी के साथ में। तीसरा एपिसोड है बातचीत का। तो आइए इसमें हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से रेरा जब से महाराष्ट्र में आया है, क्या लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है और किस तरह से रेरा समाज के जो है बदल रहा है। देखिए, रेरा आने के बाद ग्राहकों को एक ऐसे राहत मिला है कि हम किधर ना किधर जाके लोगों का, मतलब बिल्डर को सामने ला सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे डेवलपर अभी तक ये समझ रहे थे कि उनके, मतलब लोगों का ही पैसा लेने का, उन्हीं से जगह लेने का और उन्हीं को घर देना है। फिर भी वो हमेशा मनी पावर, मसल पावर वो दिखाते थे। आज क्या हो रहा है कि यदि आप लैंड एग्रीमेंट नहीं बनाते हो, आप हमें घर टाइम में नहीं देते हो, हम रेरा के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। कम से कम उधर उनको आना पड़ता है। यदि वो आने के बाद वो रेरा ऑर्डर भी 3 महीने के अंदर देता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैं आपको एक अच्छा केस समझाना चाहूँगा। देखिए, लवासा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लवासा, हाँ, जो पुणे के बाजू में है। लवासा यही ना, जो शरद पवार और उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले उसमें, जो भी SCC यस। तो लवासा इतने बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ हजारों लोगों ने पैसा दिया है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब एग्रीमेंट बनाता था, हर फ्लैट वो बेचते थे, वो कैसा बेचते थे, लीज के नाम से 999 ईयर्स का लीज, मतलब 99 ईयर्स लीज समझ सकते हैं, ये 999 मतलब हजार साल का लीज। तो ऐसे लीज में बेच के लोगों को बोलते थे, उसका FSI, उनका TDR, ये सब आपको हमने लीज में दिया, लेकिन आप उधर 999 ईयर्स रह सकते हो। अभी 99 ईयर्स कैसे एक फ्लैट, 15 पीढ़ी, हाँ 15 पीढ़ी भी बहुत, मतलब ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। तो इस तरह का जब आप ये करते हो तो गलत है। तो ये जो मैटर जब रेरा में गया, रेरा ने बोला कि ऐसे करार कर सकते हो, रेरा ने आदेश दिया। जब ये अपील में गया, रेरा में भी एक अपील का प्रावधान है, जब अपील में गया तो वो बोला कि ये 999 ईयर्स का तो ये तो नया चीज है और ऐसे मनमानी डेवलप लोग कर ही रहे, इसके लिए रेरा आया है, ये तो नथिंग बट ए ओनरशिप है। तो आप इसको रेरा में आएगा तो उन्होंने पोजिशन नहीं दिया, पैसा लिया है तो उनको करोड़ों रुपया लोगों से लिया था, एक एक से, एक एक फ्लैट के सामने, उनके ऊपर ब्याज देने के लिए बताया। और वो तो उसके बाद देखिए ये मैटर गया हाईकोर्ट में, क्योंकि डेवलपर लोग तो छोड़ते नहीं है, वो लेके गया जो लीज है, ये लीज जो है ये नहीं हो सकता है। तो जब हाईकोर्ट में मैटर गया, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि ये लॉन्ग लीज का मतलब ओनरशिप है, इसके लिए इसको रेरा में आना चाहिए और जो भी प्रावधान रेरा के अंदर है वो सब डेवलपर के ऊपर होगा। नहीं है तो कस्टमर को 10-10 साल हो गया, 12-12 साल हो गया, अभी तक घर नहीं मिलता था, करोड़ों रुपया वो दे के बैठे थे। तो ऐसे प्रावधान बहुत सारा डेवलपर, यदि लूपहोल के लेकर पुणे में बहुत सारा जगह में ऐसे काम चल रहा है, ऐसे काम होता था, अभी ये काम रुकेगा। दूसरा देखिए, रेरा का एक अच्छा चीज जो है वो है एग्रीमेंट। अभी देखिए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाता था। आज एग्रीमेंट बनाने के बाद एक डेवलपर के सामने रेरा में गया कि ये जो एग्रीमेंट है ये गलत एग्रीमेंट है। तो रेरा ने ताबड़तोब ऑर्डर दिया कि ये जो आपने एग्रीमेंट किया ये गलत एग्रीमेंट किया, क्योंकि फ्यूचर FSI रखना, फ्यूचर आप चीज रखना, ये सब आपके खिलाफ है। तो इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट को चेंज करने के लिए बताया। और बहुत कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। अच्छा, ये तो नहीं, कि मान लीजिए एक डेवलपर है, उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, उन्होंने जाहिरात दिया, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दिया, विज्ञापन दिया, रेरा में रजिस्टर्ड थे, रेरा में रजिस्टर्ड था, टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन आया, वो भी आपको मैं बताऊँ पिरेमल ग्रुप है। अच्छा। और उन्होंने विज्ञापन जब देने के बाद उसमें रेरा का नंबर जो है छोटा लिखा था, सिर्फ छोटा लिखा था। अच्छा। रेरा नंबर था लेकिन छोटा लिखा था, जो आम आदमी देख नहीं सकते थे अपने नेकेड आइज से, मतलब जो चश्मा डालना होगा या दूरबीन डाल के, मतलब नंबर था नहीं उनके पास, नंबर था, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट था, सब था, लेकिन उन्होंने नंबर छोटा अक्षर में लिखा ताकि कुछ पकड़ नहीं पाए कोई, हो सकता। मगर जब रेरा को ये पता चला, उनको बुलाया, आप इमेजिन करिए 50 लाख रुपए का जुर्माना उनको लगाया और 2 दिन में उन्होंने जुर्माना भी भरा। और उसके बाद जितने भी डेवलपर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, हर जगह में रेरा का नंबर भी बड़ा लिखते और रेरा का वेबसाइट का एड्रेस भी बड़ा लिखते। तो ऐसे बदल करने का जो कार्रवाई है वो चालू है और रेरा अच्छे तरह से कार्रवाई कर रही है।
ये कब आया डिसीजन? ये डिसीजन आके लगभग दो महीने ही हुआ। दो महीने हुआ, कॉपी है उसकी? है ना, मिलेगा ना। और दूसरा जो है, आपको बताऊं, रेरा ने एक, महारेरा ने एक ऐसा प्रावधान किया था कि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका भी वो कंप्लेंट नहीं लेते थे। अच्छा। तो मैटर गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नो, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो, जो जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी फ्लैट धारक है, अपना पुरावा देता है तो उसका कंप्लेंट तो सुनना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने रेरा को आदेश दिया कि आप अपना सॉफ्टवेयर को बदलो, और उसके बाद उसमें अभी अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप रेरा में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा मैटर है। तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने का कितना खर्चा आता है ये बताइए? देखिए, रेरा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ₹10 पर स्क्वायर मीटर है, लेकिन कंप्लेंट करने के लिए आपको ₹5 देना पड़ता है। तो जो लोग उसमें रजिस्टर नहीं कराते थे, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, अगर उनकी कंप्लेंट आती है तो आप उसे डबल उनसे वसूल करिए। बिल्कुल, अभी अभी उन्होंने ऐसा किया है कि अभी तक जिन्होंने रेरा में रजिस्टर्ड नहीं किया उनको 10 लाख से 15 लाख तक का ऑलरेडी पेनल्टी लगाने को चालू किया है, और पेनल्टी भी लगाया। आपको यकीन देता हूँ, लगभग 1800 डेवलपर को अभी तक रेरा ने 50,000 से लेके 10 लाख तक का जुर्माना लगा चुके हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन टाइम। उन्होंने टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसके लिए 1800 डेवलपर के ऊपर ऑलरेडी जुर्माना लगा दिया है, और वो भी 50,000 से लेके 10 लाख।